हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई और आपको भी ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप डिस्टर्बिंग मूवीज़ को पसंद नहीं करते तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के कई सीन्स आपको पसंद नहीं आए। इस मूवी का नाम है हाउस ऑफ वैक्स, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी 1953 में आई हाउस ऑफ वैक्स मूवी का ही एक रिमेक है, जो कि 1933 में आई मूवी मिस्ट्री ऑफ वैक्स म्यूजियम का रिमेक है। मतलब कि ये मूवी एक रिमेक का भी रिमेक है। तो खैर, ये तो हो गई मूवी की बात, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते सीधा मूवी की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम मूवी के कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये कहानी 6 दोस्तों की है, जो इस प्रकार है। कार्ली वेड की गर्लफ्रेंड है और पेज ब्लैक की गर्लफ्रेंड। निक और डॉल्टन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है और निक कार्ली का भाई भी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक औरत एक बर्तन में वैक्स यानी कि मोम गर्म कर रही है। फिर वो उस लिक्विड वैक्स को एक चेहरे के मोल्ड में डालती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट खिलाती है, जो कि चुपचाप बैठा था। तभी उस औरत का हस्बैंड उसके दूसरे बच्चे को वहां लाता है, जो कि काफी अग्रेसिव था, और वो उस मोल्ड पर लात मार देता है, जिससे कि वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। और उस दूसरे बच्चे को काबू करने के लिए उसे एक चेयर से बांधा जाता है, जबकि उसका दूसरा भाई चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। वो बच्चा अभी भी काफी परेशान कर रहा था। उसके हाथ चेयर से बेल्ट से बंधे होने के कारण उसके हाथों से खून आता है और वो उसकी माँ के हाथ पर नाखून मार देता है, और उसकी माँ उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। इस घटना को 28 ईयर्स यानी कि 28 साल बीत जाते हैं और हम प्रेजेंट डे में देखते हैं निक और उसके बाकी के फ्रेंड्स अगले दिन लुइजियाना में होने वाले फुटबॉल मैच को देखने जाने की तैयारी कर रहे थे, जो कि उनकी सिटी से काफ़ी दूर था। इसलिए ब्लैक वहाँ जाने के लिए अपनी कार के GPS में एक शॉर्टकट ढूंढता है, ताकि वो लोग रास्ते में रुककर थोड़ा फन कर सके, और वो जल्दी ही लुइजियाना के लिए निकल जाते हैं। वे सभी 6 फ्रेंड्स 2 कार से जाते हैं। ब्लैक की कार में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड पेज थी और वेड की कार में कार्ली के साथ निक और उसका बेस्ट फ्रेंड डाल्टन होता है। तभी ब्लैक अपनी कार को शॉर्टकट वाले रास्ते में मोड़ लेता है और वेड भी उसकी कार के पीछे चल पड़ता है। काफ़ी रात हो जाने के कारण सभी फ्रेंड्स अपना कैंप उस जंगल में ही लगाते हैं और मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल से एक अजीब सी बदबू आती है, जो कि लग रहा था कि किसी के मुर्दा शरीर की है, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर से अपनी कैंप पार्टी में बिजी हो जाते हैं, जिसे डाल्टन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक अनजान ट्रक आता है और अंदर से कोई आदमी उन सभी को पार्टी करते हुए घूर रहा था। ब्लैक और बाकी के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो ट्रक वाला बाहर नहीं आता। और निक, जो कि काफ़ी गुस्से वाला था, वो अपनी बियर की बोतल ट्रक की तरफ फेंकता है, जिससे कि ट्रक की हेडलाइट टूट जाती है और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। और सभी फ्रेंड्स को ये लगता है कि वो ट्रक वाला निक से डरकर चला गया, जिसके बाद सभी अपनी पार्टी ख़त्म करते हैं और सोने चले जाते हैं। रात होने पर कार्ली को लगता है कि कोई उनके टेंट के आसपास घूम रहा है और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वेड उसे डरा देता है और वापस सोने के लिए बुला लेता है। रात की लेट नाइट पार्टी के बाद सभी को सुबह उठने में काफ़ी देर हो जाती है और वो मैच के लिए लेट हो रहे थे, इसीलिए सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन डाल्टन का कैमरा गायब था और वेड की कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसे चेक करने के लिए वेड कार का बोनट खोलता है और देखता है कि कार का फैन बेल्ट टूटा हुआ है, जबकि उसकी कार तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। इधर पेज और कार्ली जंगल में थी और फिर उन्हें वही अजीब सी बदबू आती है, जिसे चेक करने के लिए कार्ली उसके पीछे जाती है और जाते जाते वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर कई सारे जानवरों की लाश पड़ी थी, जो कि लगभग सड़ चुकी थी, और ये बदबू यहीं से आ रही थी। कार्ली उस गड्ढे में जानवरों की लाशों के साथ साथ एक इंसानी हाथ भी देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, और बाकी के फ्रेंड्स उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं और जल्दी ही कार्ली को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। और तभी वहाँ एक ट्रक आता है, जो कि रात वाले ट्रक की ही तरह लग रहा था, लेकिन उसकी हेडलाइट बिल्कुल ठीक थी। फिर उसमें से एक गंदा सा आदमी बाहर आता है और जानवरों की लाशों को ट्रक से निकालकर उस गड्ढे में डालता है। इस आदमी का नाम लेस्टर था,
जिससे कि सभी फ्रेंड्स उस गड्ढे में पड़े हुए इंसानी हाथ के बारे में पूछते हैं और लेस्टर गड्ढे में से उस हाथ को निकालकर सभी को ये बताता है कि असल में ये एक नकली हाथ है जो कि सड़क के किनारे उसे मिला था। लेस्टर सड़क पर मरने वाले जानवर को उठाता था और उनसे उपयोग में आने वाले अंग निकालकर उनका शरीर इस गड्ढे में डाल दिया करता था। वेड लेस्टर से आसपास किसी गैरेज के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अपनी कार का फैन बेल्ट बदलना था और लेस्टर बताता है कि पासी के एक टाउन एम्ब्रोज में एक गैस स्टेशन है और उन्हें वहाँ वो फैन बेल्ट मिल जाएगा। ब्लैक और बाकी के फ्रेंड्स आज का फुटबॉल मैच मिस नहीं करना चाहते थे। तभी लेस्टर कहता है कि वो उन्हें गैस स्टेशन तक छोड़ देगा। फिर निक अपनी बहन कार्ली को अपनी वेस्ट निकाल कर देता है और जब कार्ली उसे चेंज कर रही थी तो लेस्टर उसे देखने की कोशिश करता है और वेड और कार्ली लेस्टर के साथ ट्रक में गैस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और ब्लैक बाकी के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच के लिए। लेस्टर कार्ली को रास्ते में अजीब नज़रों से घूर रहा था जिससे कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और लेस्टर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर ट्रक रोक देता है जिससे कि वो डर जाते हैं और आगे का रास्ता पैदल चलकर जाने को कहकर उसके ट्रक से उतर जाते हैं। फिर कुछ ही दूर चलने के बाद वो दोनों एम्ब्रोज टाउन में पहुंच जाते हैं और जल्दी ही गैस स्टेशन भी, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता और वहां का लॉक भी खुला हुआ होता है और वो आगे की ओर निकल जाते हैं जहां पर एक घर से उन्हें कोई खिड़की से झाँक कर देख रहा था। फिर कार्ली और वेड मदद के लिए वहाँ के चर्च में जाते हैं जहाँ पर किसी का फ्यूनरल चल रहा था, लेकिन एम्बेरसमेंट के कारण वो लोग वापस बाहर आ जाते हैं और एक व्यक्ति चर्च से बाहर आता है जिसका नाम बू था और वेड उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है जिस पर वो कहता है कि वही गैस स्टेशन का ओनर है और आज उसकी माँ का फ्यूनरल है, लेकिन वो शाम को उनकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। अब कार्ली और वेड को शाम तक वेट करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो टाउन घूमने निकल जाते हैं और उन्हें वहाँ ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स दिखता है और वो उसे देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो वैक्स हाउस अंदर से बंद था और दोनों देखते हैं कि वैक्स हाउस पूरी तरीके से वैक्स यानी कि मोम से बना था और वो जानबूझकर अंदर घुस जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वैक्स हाउस के बेसमेंट में अपना स्कल्पचर बना रहा था और उसे वेड और कार्ली के अंदर घुसने की आवाज़ आ जाती है। उस हाउस ऑफ वैक्स के अंदर वेड और कार्ली देखते हैं कि लगभग सारी चीज़ें मोम की बनी है और सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिक था। कार्ली को कुछ स्टैचू के पीछे विंसेंट नाम दिखता है और वो समझ जाती है कि यहाँ के आर्टिस्ट का नाम विंसेंट है। फिर कार्ली आईने में अपना चेहरा देखती है और पीछे उसे कोई खिड़की से झाँकता हुआ दिखता है, जिसे डर कर वो वहाँ से निकल कर गैस स्टेशन चले जाते हैं। इधर ब्लैक और बाकी के फ्रेंड्स ब्लैक की कार से फुटबॉल मैच देखने जा रहे थे और वो पहले से ही लेट थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रैफिक जाम के कारण उनका गेम मिस हो जाता है और सभी लोग वापस कार्ली और वेड की मदद करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। और जंगल में पहुंचते ही ब्लैक निक को अपनी कार देता है और ये कहता है कि वो डाल्टन के साथ जाकर कार्ली और वेड को टाउन में ढूंढे, क्योंकि ब्लैक को अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिताने हैं और निक डाल्टन को लेकर टाउन की तरफ निकल जाता है। यहाँ टाउन में वेड और कार्ली गैस स्टेशन के गैराज में घुस जाते हैं क्योंकि उस दुकान पर कोई नहीं था, लेकिन तभी वहाँ का ओनर बू वहाँ पर आ जाता है और वेड को उसकी कार के साइज़ का फैन बेल्ट नहीं मिलता, जिस पर बू उसे कहता है कि कुछ स्टॉक उसके घर पर पड़ा है और वो कार्ली और वेड को अपने साथ उसके घर ले जाता है। रास्ते में वेड बू को हाउस ऑफ वैक्स के बारे में पूछता है, जिस पर बू बताता है कि ये हाउस ऑफ वैक्स ट्रूडी नाम के आर्टिस्ट और उसके सर्जन पति डॉक्टर विक्टर का था, जो कि टाउन के बाहर शहर में अपनी प्रैक्टिस करता था। एक दिन सभी को पता चला कि ट्रूडी को ब्रेन में ट्यूमर है और जब डॉक्टर विक्टर वापस ट्रूडी के पास आए तो ट्रूडी ने उनके हाथों में अपना दम तोड़ा, जिससे कि डिप्रेस होकर डॉक्टर विक्टर ने भी खुद को गोली मार ली और उनके दो बच्चे अनाथ हो गए, जिसमें से एक का नाम विंसेंट था। फिर वेड और कार्ली बू के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर बू कार्ली को उसके ट्रक में इंतजार करने का कहकर वेड को फैन बेल्ट देने अंदर ले जाता है और घर के अंदर जाने के बाद बू फैन बेल्ट ढूंढता है और वेड वहां का बाथरूम यूज करने चला जाता है और वो एक कमरे में घुस जाता है जहाँ वो कई सारी अजीब अजीब चीज़ें और विक्टर का डॉक्टर लाइसेंस देखता है और उसे कई सारे वैक्स से बने मास्क भी दिखते हैं और वेड वहाँ की छानबीन करने एक दूसरे कमरे में घुस जाता है जहाँ पर उसे कई सारे खतरनाक इक्विपमेंट्स दिखते हैं।
फिर वहाँ की लाइट चली जाती है और गेट भी अपने आप लॉक हो जाता है। तभी पीछे से एक बड़े बालों वाला आदमी आता है और कैंची से वेड के पैरों का पिछला हिस्सा काट देता है, जिससे कि वेड जमीन पर गिर जाता है और फिर वो व्यक्ति दोबारा वेड की छाती पर कैंची से कट मारता है और वेड को कहीं पर खींच कर ले जाता है। बाहर कार्ली अभी भी वेड का इंतजार कर रही थी और वो देखती है कि जिस ट्रक में वो बैठी है वो वही ट्रक है जो कल रात जंगल में आया था, क्योंकि उसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। कार्ली डर के मारे ब्लैक को कॉल करती है और उनकी लोकेशन बताती है, लेकिन वो घर से बाहर आता है और वेड उसके साथ नहीं था, जिससे कि कार्ली डर जाती है और ट्रक में बैठकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है, जिससे कि वो उस पर हमला कर देता है और कार्ली का फोन ट्रक में ही गिर जाता है। फिर कार्ली ट्रक को वहां से भगाती है, लेकिन वो ट्रक एक गहरे गड्ढे में उतर जाता है, जिस कारण उसे वहां से भागना पड़ता है। हम देखते हैं कि वो डरावना आदमी वेड को खींचकर एक बेसमेंट में ले जा रहा था, जहां वो उसके शरीर को साफ करता है और उसके कटे घावों को धागे से सिलता है। फिर वो गर्म वैक्स को उसके चेहरे के चारों तरफ लगाता है, फिर एक कपड़ा उसके चेहरे पर लगाकर उसे जोर से खींच देता है, जिससे कि उसके चेहरे के सारे बाल उखड़कर उस कपड़े में आ जाते हैं। फिर वो वेड को एक मशीन में बिठाने के बाद उसके पूरे शरीर पर गर्म वैक्स को स्प्रे करता है, जहां गर्म मोम की एक बूंद शरीर पर गिरने पर इतना दर्द होता है, वहीं वेड के पूरे शरीर पर इतना गर्म वैक्स डाला जा रहा था, जिससे कि उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो इतना मजबूर था कि अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। हम देखते हैं कि कार्ली बू से भागकर चर्च में जाती है, जहां पर वो देखती है कि चर्च में बैठे सभी लोग असल में मोम के पुतले हैं और मरे हुए हैं। उस चर्च के फादर भी असल में जिंदा नहीं थे और कॉफिन में पड़ी औरत ट्रूडी थी, जिसका हाउस ऑफ वैक्स था, यानी कि ट्रूडी को भी एक वैक्स स्टैचू में तब्दील कर दिया गया था। और कार्ली से एक वैक्स स्टैचू गलती से टूट जाती है और उसके अंदर का सड़ा हुआ मांस साफ दिखता है कि तभी वहां पर बू आ जाता है और कार्ली चर्च में ही छुप जाती है, लेकिन बू उसे जल्दी ही पकड़ लेता है। इधर निक और डाल्टन जंगल के एंड तक आ जाते हैं और वहां रास्ता काफी खराब था, इसलिए वो कार से उतरकर पैदल टाउन में जाते हैं, जहां डाल्टन हाउस ऑफ वैक्स में कार्ली और वेड को ढूंढने जाता है और निक उस गैस स्टेशन के आसपास ही था, जहां के बेसमेंट में बू कार्ली को लेकर आता है और म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि कोई भी कार्ली के चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाए। कार्ली बू के हाथ पर एक निशान देखती है, फिर बू कार्ली के होठों को सुपर ग्लू से चिपका देता है ताकि वो आवाज न कर पाए और वापस अपनी शॉप पर जाता है, जहां पर निक उससे कार्ली के बारे में पूछता है, लेकिन बू उसे ये कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। नीचे बेसमेंट में कार्ली को निक की बू से बात करने की आवाज आ जाती है और वो जैसे तैसे उस चेयर से अपना हाथ छुड़वाती है और अपनी एक उंगली बाहर निकालती है ताकि निक उसे देख सके और उसे यहाँ से बचा ले। लेकिन कार्ली की उंगली को निक से पहले बू देख लेता है और निक के पलटते ही बू एक वायर कटर से कार्ली की उंगली काट देता है, जिससे कि कार्ली को काफी दर्द होता है और वो पूरी ताकत लगाकर अपना मुंह खोलती है, जिससे कि ग्लू के साथ साथ उसके होठ की चमड़ी भी उखड़ जाती है, जिससे होता यह है कि कार्ली का काफी खून बहता है और कार्ली निक को मदद के लिए जोरदार आवाज लगाती है, जिसे सुनकर निक भागकर गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसे अंदर से लॉक कर लेता है ताकि बू वहां नहीं आ पाए और बेसमेंट में जाकर कार्ली को वहां से छुड़वाता है और कार्ली की कटी उंगली पर पट्टी बांधता है। फिर वो दोनों बेसमेंट के बाहर आते हैं, लेकिन तब तक बू वहां से चला जाता है। निक कार्ली के साथ टाउन के घरों में मदद के लिए जाता है, लेकिन पूरा टाउन खाली था। वो उस घर में भी जाते हैं जहां से कोई उन्हें झांक कर देख रहा था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें ये पता चलता है कि उसे भी वैक्स स्टैचू बनाकर मशीन द्वारा खिड़की से खड़ा किया गया है। हम देखते हैं कि डाल्टन हाउस ऑफ वैक्स में कार्ली और वेड को ढूंढने जाता है, जहां वो सारे रियलिस्टिक स्टैचू को देखता है और उसे वेड के जैसी एक वैक्स स्टैचू दिखती है जो कि पियानो बजा रहा था, लेकिन उस स्टैचू की आंखें मूव कर रही थी, यानी कि वेड अंदर जिंदा है। फिर डाल्टन अपनी उंगलियों से उसके गाल पर लगी वैक्स हटाता है तो देखता है कि वेड की स्किन पिघल चुकी है और उसकी स्किन की जगह गर्म वैक्स ने ले ली है। और तभी वहां पर वैक्स मास्क पहने वही आदमी आ जाता है, जिससे कि डाल्टन भागता है और वैक्स हाउस के बेसमेंट में जा गिरता है। और वैक्स मास्क वाला आदमी दो चाकुओं को उसके गले में धंसा देता है और डाल्टन को
पैरों से खींचता है, जिससे कि उसका सिर वहीं रह जाता है और उसका शरीर वैक्स मास्क वाला आदमी खींचकर ले जाता है। इधर जंगल में ब्लेक अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कार्ली का वॉइसमेल आता है और वो टेंट से बाहर जाकर फ़ोन चेक करता है और टेंट के अंदर पेज पर वैक्स मास्क वाला आदमी हमला करता है, जिससे बचकर वो बाहर भागती है और देखती है कि ब्लेक के गले में चाकू घुसा हुआ है और पेज जंगल से भागकर टाउन के एक कार गैराज में छुप जाती है, जहां वो एक लोहे की रॉड उठाती है ताकि वो उस आदमी से अपना बचाव कर सके। लेकिन तभी नीचे वाले फ्लोर से वो आदमी एक नुकीला हथियार ऊपर की ओर घुसाता है, जिससे कि पेज का पैर कट जाता है और वो लंगड़ाकर वहां से भागकर एक कार में छुप जाती है। लेकिन वो वैक्स मास्क वाला आदमी उसे वहां भी ढूंढ लेता है और पेज लोहे की रॉड से उसकी तरफ हमला करती है, जिससे कि उसके चेहरे का वैक्स निकल जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। पेज कार से भागती है, लेकिन वो आदमी उस रॉड को पेज की तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि वो रॉड उसके सिर के आर पार हो जाती है और फिर वो आदमी डाल्टन के कैमरे में वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए रॉड को उसके सिर के पार निकाल लेता है। कार्ली और निक को नहीं पता था कि वेड के शरीर का अब वैक्स स्टैचू बन चुका है और वो उसे ढूंढने के लिए वापस बू के घर जाने वाले थे और निक अपनी सेफ्टी के लिए एक आर्मी शॉप से क्रॉसबो निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ बू अपनी गन लेकर आता है और उन पर फायर करता है, जिससे बचने के लिए निक और कार्ली पास के एक सिनेमा हॉल में घुस जाते हैं, जहाँ अंदर अभी भी मूवी चल रही थी और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को वैक्स स्टैचू में बदल दिया गया था। फिर बू अंदर आकर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन कार्ली उससे बचने के लिए वहाँ चेयर पर स्टैचू बनकर बैठ जाती है। लेकिन बू को इस बारे में पता चल जाता है और वो गन से फायर करता है, जो कि वहाँ के एक स्टैचू में लगती है और अंदर से कई सारे कीड़े निकलते हैं, जिससे ये पता चल रहा था कि उनकी बॉडीज अंदर से सड़ चुकी है। फिर निक क्रॉसबो से बू के हाथ में एक तीर मारता है और दूसरा तीर उसके सीने में मारता है, जिससे कि बू घायल हो जाता है और निक कार्ली को लेकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों वेड को ढूंढने के लिए बू के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कार्ली कुछ न्यूज़पेपर्स देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि बू और विंसेंट जुड़वा थे और विंसेंट का चेहरा बू के शरीर से जुड़ा हुआ था, जो कि ऑपरेशन के बाद काफ़ी बिगड़ गया और विंसेंट को हमेशा एक वैक्स मास्क पहनाया जाता था। फिर वहाँ बू घायल हालत में आता है और कार्ली निक के साथ वहीं पर छुप जाती है। वो छुपकर देखते हैं कि बू अपने हाथ में घुसे तीर को खींचकर आर पार निकाल लेता है और उसके सीने में लगे तीर को वायर कटर से काट लेता है। फिर कार्ली खिड़की से देखती है कि विंसेंट ब्लेक और पेज की लाश को लाता है और अंदर आकर अपने चेहरे के खराब वैक्स को ठीक करता है। निक को बू के घर में एक खुफिया रास्ता मिलता है, जो कि उसके घर और हाउस ऑफ वैक्स से कनेक्टेड एक बेसमेंट में जाता है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और वो वहाँ लगे स्विचेस को रेंडमली प्रेस करते हैं, जिससे कि पूरे टाउन की लाइट ऑन ऑफ होती है और बू को पता चल जाता है कि कोई उनके बेसमेंट में घुसा है। बेसमेंट के अंदर निक और कार्ली डाल्टन को देखते हैं, जो कि पूरा वैक से ढका हुआ था और उसे छूने पर उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है और हम देखते हैं कि विंसेंट उनकी तरफ चाकू लिए आ रहा था, जिसे निक रोकने की कोशिश करता है और एक बहुत बड़े बर्तन में उबल रहे वैक्स को नीचे जमीन पर गिरा देता है, जिससे कि बेसमेंट में आग लग जाती है और निक कार्ली को लेकर बेसमेंट के दूसरे रास्ते से हाउस ऑफ वैक्स में पहुंच जाता है, जहां कार्ली को बू और विंसेंट की बचपन की सीटिंग चेयर दिखती है और वो बू की चेयर पर बेल्ट देखती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिसे चेयर से बांधा दिखाया जाता है वो बू था और जो शांत बैठा था वो विंसेंट। फिर वो वेड की वैक्स स्टैचू को वहाँ पर देखते हैं और तभी वहाँ पर बू आ जाता है, जिसकी निक से काफ़ी लड़ाई होती है और बू निक के पैर में एक चाकू से स्टैब कर देता है। इधर बेसमेंट में लगी आग से वैक्स हाउस का फ्लोर पिघलने लगता है, क्योंकि पूरा हाउस ऑफ वैक्स मोम से बना था। फिर कार्ली निक को बू से बचाने के लिए बेसबॉल बैट से बू के सिर पर कई बार वार करती है और तब तक वहाँ पर काफ़ी आग लग जाती है। फिर विंसेंट वहाँ आता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कार्ली के पीछे जाता है और कार्ली उससे बचने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। हम देखते हैं कि आग के बढ़ने के साथ साथ
हाउस ऑफ वैक्स की सारी चीज़ें धीरे धीरे पिघलने लगती है और वहाँ पर रखी इंसानी वैक्स स्टैचू भी पिघलने लगती है, जिससे कि उनके अंदर की हड्डियाँ साफ दिखने लगती है। विंसेंट कार्ली को मारने के लिए ऊपर रूम में जाता है और निक कार्ली को बचाने के लिए विंसेंट के पीछे, जहाँ पर निक और विंसेंट की काफ़ी लड़ाई होती है और निक का हाथ विंसेंट के चेहरे पर पड़ता है और उसका वैक्स मास्क हट जाता है, जिससे कि विंसेंट का डैमेज चेहरा साफ दिखता है जो बचपन से छुपाता आ रहा था। तभी कार्ली निक के पैर में लगा चाकू निकालकर विंसेंट के शरीर पर स्टैब करती है, जिससे कि विंसेंट गर्म पिघली फ्लोर पर गिर जाता है और बूक के साथ गिरता हुआ बेसमेंट में पहुंच जाता है। अब वैक्स हाउस में लगी आग पूरे घर को पिघला रही थी, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि अब उन दोनों के बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वो वहाँ बनी मोम की दीवारों को खोदना शुरू करते हैं और घर के पूरी तरीके से पिघलने से पहले ही बाहर आ जाते हैं और उन दोनों की नज़रों के सामने बू और विंसेंट के साथ वो वैक्स हाउस भी जल जाता है। अगले दिन पुलिस वहाँ आती है क्योंकि हाउस ऑफ वैक्स के जलने से उसका धुआं काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा था और पुलिस को एम्ब्रोस टाउन से 70 से भी ज़्यादा लोगों की लाशें मिलती है जिन्हें वैक्स स्टैचू में बदल दिया गया था। और पुलिस को वहाँ के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि विक्टर और ट्रूडी के दो नहीं बल्कि 3 बेटे थे। फिर कार्ली और निक एम्बुलेंस में बैठकर अपने शहर जा रहे थे कि तभी लेस्टर उन्हें जाते हुए बाय करता है और ये तीसरा बच्चा लेस्टर ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है। ट्रूडी और विक्टर को जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए थे और जब ऑपरेशन से उन्हें अलग किया गया तो विंसेंट का चेहरा खराब ही रहा, जिसे कि उसकी मॉम वैक्स मास्क से कवर रखती थी, जो कि एक वैक्स आर्टिस्ट थी। विंसेंट वही शांत बच्चा था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और बू जिसे चेयर से बांधा गया था। और ये बात तब कंफर्म होती है जब कार्ली बू के हाथ पर निशान देखती है, जो कि बू को चेयर पर बांधने से हुआ था। विंसेंट भी अपनी माँ की तरह एक आर्टिस्ट था, लेकिन बू ने विंसेंट का यूज़ किया और पूरे टाउन को वैक्स स्टैचू में बदल दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और कमेंट और शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जल्दी ही आने वाली है।